क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो यार, इस क्वेश्चन में एक मिनट। लिखा हुआ है कि अ स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट अ डायमीटर। तो ये स्फीयर है मान लेते हैं, और ये डायमीटर है, रोटेट कर रहा है ये ऐसे, ठीक। अब लिखा हुआ है द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन। सबसे पहली बात तो भाई, ये लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, मेरे को तो नहीं पता भाई, है ना। मतलब मैं तो एक्सेलरेशन जानता हूँ, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और सर्कुलर एक्सेलरेशन या फिर रोटेशनल एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ होता है क्या, मेरे को नहीं पता। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ यहाँ पर सिंपल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या एक्सेलरेशन नहीं है सरफेस वाले पार्टिकल्स के पास? बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो सरफेस पे है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन के केस में सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन तो है। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, द पार्टिकल ऑन द डायमीटर मेंशन अबव डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन। जिस डायमीटर के अबाउट वो स्फीयर रोटेट कर रहा है, यानी कि ये सारे पॉइंट्स की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली भाई लिखा हुआ नहीं है कि जो डायमीटर है वो चल रहा है ना। मतलब ऐसा तो लिखा हुआ नहीं कि ये ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन है, तो अपन मान के चलेंगे कि प्योर रोटेशन है। कि ये ऊपर वाली लाइन का अपन मतलब क्या निकालेंगे, कि एक स्फीयर है जो कि अपने डायमीटर के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे पॉइंट्स रेस्ट पे हैं, इसका मतलब नॉन एक्सेलरेटेड है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस हैव डिफरेंट एंगुलर स्पीड। बिल्कुल गलत बात है। प्योर रोटेशन में क्या होता है, पूरे बॉडी के किसी भी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होता है, तो ये गलत हो गया। ऑल द पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस हैव सेम लीनियर स्पीड, ये भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है उसके लिए रेडियस ये है, जबकि यहाँ पर जो पार्टिकल है उसके लिए रेडियस ये है। रेडियस अगर अलग अलग होगा तो स्पीड क्या होती है, आर इंटू ओमेगा, स्पीड भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर तो सेम लिखा हुआ है, तो गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से केवल इसका बी आंसर होना चाहिए। और हाँ, अब मैं बोल दिया कि लीनियर एक्सेलरेशन मैंने नहीं सुना है, हो सकता है कुछ हो, मेरे को नहीं पता। हो सकता है कि एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस होता हो, पर मैं जितनी फिजिक्स पढ़ा हूँ उसमें तो मेरे को कोई डिफरेंस नहीं पता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वर्मा सर यहाँ पर मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे लीनियर एक्सेलरेशन से, ऐसा कुछ करना चाह रहे होंगे, या पता नहीं भाई मेरे को, है कुछ भी हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर किसी के पास हो जानकारी तो वो जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।